आगे फरमाया लअल्ला का बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन। ए नबी, यूं लगता है कि तुम अपने आप को हलाक कर लोगे, अपनी जान को हलाकत में डाल लोगे। इस परेशानी में, इस टेंशन में कि लोग ईमान नहीं ला रहे, दावत दिए जा रहे हैं, हर जगह काम किए जा रहे हैं, नतीजा सामने नहीं आ रहा, उम्र है कि बीती जा रही है, लोग इस्लाम कबूल करते हुए नजर नहीं आते, तादाद बहुत थोड़ी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी परेशान हो जाते थे और परेशानी में कभी कभी चादर कभी कमली ओढ़ के खामोशी से बैठ जाते थे बुक्कल मार के, और सोचते रहते थे कि ये जो दावत और रिसालत का बोझ उनके कंधों में पड़ा है, ये उठ सकेगा या नहीं, ये काम हो सकेगा या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए और काम अधूरा रह जाए, लोग कबूल न करें और इस निजाम को, इस दावत को आगे दुनिया तक न पहुंचाया जा सके। इस गम में हुजूर मुब्तला रहते थे और फिर एक एक आदमी का कभी नाम ले लेके दुआ मांगते थे कि ऐ अल्लाह फला आदमी मुझे दे दे, ऐ अल्लाह फला आदमी मुझे दे दे। ये दो आदमी, एक अबू जहल और एक उमर बिन खत्ताब, उसका नाम उमर बिन हिशाम था, ऐ अल्लाह इन दो उम्रों में से एक मुझे दे दे। दोनों उसी विकार लोग थे, कुव्वत वाले, गलबे वाले, बड़बोले किस्म के लोग थे। तो आपने कहा कि दो में से एक मुझे दे दे, उमर बिन खत्ताब आ गए। तो ये एक गम की कैफियत, एक चिंता और परेशानी की कैफियत थी, जिस पे अल्लाह ताला ने कहा है कि इतनी परेशानी हमारे काम में, तुम तो अपने आप को हलाक कर दोगे, नहीं ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ दावत दे देना है, आगे नताइज का मामला तुम हम पे छोड़ो। और देखिए आगे क्या फरमाते हैं, वह इन नशा नुनज़िल अलैहिम मिनस समाई आया, अगर हम चाहें तो आसमान से कोई ऐसी निशानी उतार दें, फजलत आनाकुहुम लहा खादईन, कि सबकी गर्दनें उस निशानी के सामने झुक जाएं और हर शख्स आपकी नबूवत पे, कुरान पे ईमान लाने पे मजबूर हो जाए। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हर एक को ईमान लाने पे मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा सिस्टम नहीं है, ये हमारी तरतीब और हमारी तकदीर ये है नहीं, हम किसी को मजबूर करके ईमान पे मजबूर नहीं करते, किसी को अमले सालेह पे मजबूर नहीं करते, किसी को कुफर पे भी मजबूर नहीं करते, हमने आजाद छोड़ा हुआ है। आजाद छोड़ा हुआ है तो फिर कोई ईमान लाएगा, कोई नहीं लाएगा, जो ले आएगा उस पर शुक्र करें, जो नहीं लाता है उस पर सब्र करें। उस पर इतनी टेंशन में मुब्तला हो जाना कि अपनी जान को जैसे कोई हलाकत में डाल रहा हो, नहीं ऐसा नहीं।